हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। पूजा है, क्या कुछ मिस कर रहे हैं आप? अपने गांव से दूर हैं आज? पहली बार मैं अपने गांव से दूर छठ पूजा पे, क्योंकि शूट कर रहा हूँ राजस्थान में। हर साल छठ पे अपने गांव में रहता था, एंजॉय करता था, मजा करता था। मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि घर से फोन भी आए थे, भतीजों के फोन आए थे। ओके, तो चाचा मिस कर रहे हैं, तो वही है। और किस तरह से छठ पूजा मनाते थे गांव होते थे तो? गांव होते तो एक दिन दो दिन पहले जाके घर पे बैठ जाते थे, और पूरा एकदम साफ से पकवान बनाना, गांव में गीत तो गाती हैं, काफी बड़ा अच्छा लगता था वो सब। अभी कहाँ, यहाँ जान ही रहे हैं, अभी मजा नहीं आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जो बम्बई से दूर होते हैं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ऐसा कुछ? हाँ, बहुत ही मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो माहौल तो अब यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस बेस पे काम कर रहे हैं राजस्थान में, तो बहुत ही कम जगह में मनाया जाता है। लेकिन यूपी बिहार का बड़ा पर्व है आज, काफ़ी मतलब वहाँ तो आज बहुत बड़ा ये पर्व मनाया जाता है। अच्छा, आज बहुत खुशी की बात है, आज आपका एक फिल्म है पुलिस गिरी, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, काफ़ी दर्शकों ने सराहा है, और सही में ट्रेलर बहुत अच्छी बनी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जी बस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया कि बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा काम लगा मेरा। बस यही उम्मीद है, आप लोग आशीर्वाद ही, कुछ आगे और अच्छा काम करते रहेंगे। इस पुलिसगिरी की ट्रेलर जो इसका लॉन्च हुआ, आज शूटिंग कहाँ हुई है और इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे? इसकी शूटिंग मुंबई और मुंबई के बाहर में, मतलब आउटर में किया गया है। बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग की गई थी, अच्छी पिक्चर बनाई गई है। पुलिसगिरी जैसा, पुलिसगिरी नाम है तो पुलिसगिरी दिखना चाहिए, तो ऐसा प्लान करके पिक्चर बनाई भी गई है, जो कि काफ़ी लोगों को फ़ोन आया, बहुत अच्छा पिक्चर बना है, बहुत अच्छे एक्शंस हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक का मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि इसके सारे म्यूजिक अच्छे हैं। तो प्रयास है, आप लोग के आशीर्वाद से देखिए आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा से अच्छा करना चाहेंगे। और आपके साथ कौन कौन से आर्टिस्ट इस फिल्म में? पुलिसगिरी मेरे साथ प्रियंका पंडित, आयुषी तिवारी हैं, बाकी विलन में राज कपूर साई जी हैं, सजाद खान हैं, सोनू पांडे हैं। इसमें आइटम में अगर देखा जाए तो दो इसमें प्रमोशन सॉन्ग है अपना, अनारा गुप्ता जी हैं, समाना सेठ जी हैं, गरिमा हैं। डायरेक्टर के पॉइंट में देखा जाए तो फिल्म बहुत अच्छी एक्शन मूवी बनी है और रोमांटिक भी है, क्या कहेंगे डायरेक्टर के बारे में? डायरेक्टर बहुत मेहनती हैं, धीरज ठाकुर ने अपने पूरा जी जान लगाया पिक्चर में और काफ़ी अच्छा करके दिए हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद करता हूँ एक बढ़िया मूवी मतलब बनाने के लिए। देखिए क्या है कि कैप्टन तो चलाना सिखाता ना, बाकी लोग तो काम करने के लिए प्लेयर्स ही होते हैं। तो देखा जाए तो फिल्म के डायरेक्टर के पॉइंट व्यू से बहुत अच्छी बनी है जी। तो कुछ ऐसी बातें बताइए डायरेक्टर के बारे में जो कोई जानता नहीं है शूटिंग के दरमियान की। डायरेक्टर बहुत ही लेबोरियस और मेहनती है, मतलब हम लोग की कॉमिंग बहुत अच्छी है, मतलब धीरज की हमारी जो कॉमिंग है वो डायरेक्टर वाली है, भाइयों वाली है। मेरे साथ मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब जो होता है ना कि खाने का भी याद रखना, सिर्फ काम करना, मेहनत करना, वही मेहनत लगन जो आज चेहरे में दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिल्म में एक्शन मास्टर के बारे में क्या कहना चाहिए, कौन है एक्शन मास्टर? श्रवण कुमार हैं, और श्रवण जी ने काफ़ी मतलब अपनी जी जान लगाया, सारे फाइटर्स मतलब, और बॉम्बे की गर्मी में शूटिंग हो रही थी एकदम अप्रैल मई में, तो काफ़ी मतलब बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अब ये है कि मतलब उन्होंने बहुत पूरा जी जान लगाया अपना और अच्छा करके दिए श्रवण जी, अभी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिल्म की अब हीरोइन है प्रियंका पंडित जी, काफ़ी ऐसे हॉट सॉन्ग हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? प्रियंका जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी मतलब नेचर की भी हैं, बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव मतलब मेरे साथ काम की, और अच्छा लगा हम लोग का जोड़ी भी और सीन विन भी बहुत ही अच्छा, मतलब कोई जैसा होना चाहिए कमी वैसी। और दूसरी हीरोइन क्या कहेंगे? आयुषी भी मेरी मतलब बहुत अच्छी दोस्त हैं, और बहुत अच्छा काम लगा आयुषी का मेरा एक गाना, जो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि गाना हिट है भैया, मतलब वो गाना मतलब हिट है, गाना मधुकर जी का है, और काफ़ी मतलब मुझे कई जगहों से फ़ोन सुबह से आ गए कि म्यूजिक आपके सारे हिट हैं इस पिक्चर के। फिल्म को कब तक रिलीज करने का प्लान है? पूरी प्लानिंग देखिए, अभी तो फिल्म पूरी प्लानिंग जनवरी तक कर देंगे, या उसके पहले भी लेकिन प्लानिंग जनवरी तक पूरी हमारी कर देंगे रिलीज। फिल्म के देखा जाए तो गाने जो इसने लिखा है, म्यूजिक जिसने बनाया है, उनके बहुत तारीफ करनी चाहिए,
आप कितना उनसे खुश हैं? बहुत 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 ज़्यादा। मेरे दोस्त हैं अनुज तिवारी, जो कि मेरे बॉम्बे में मेरे सबसे पहले दोस्त अनुज तिवारी हैं इस लाइन में। जब मैं पहले आया था तो सबसे पहले मैं अनुज से ही मिला था, तो अनुज जी मेरे हर फिल्मों में रहते हैं, और ज़्यादा करके मेरे गानों पर अनुज तिवारी की आवाज़ है। मैं जितना गाना आज तक किया, अगर मैं 25 गाना भी किया होऊंगा तो 20 में अनुज तिवारी की आवाज़ होगी मेरे ऊपर। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही मेहनती और लेबोरियस आदमी है, जो ऐसा होना चाहिए, और म्यूज़िक उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और सारे म्यूज़िक इस पिक्चर के सारे म्यूज़िक अच्छे हैं। मैंने जिसको मुझे बहुत फ़ोन आए और जिसने भी ट्रेलर देखा बोला आपकी फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। आपका एक डायलॉग फिल्म ट्रेलर बहुत देखने को अच्छा लग रहा है, क्या है डायलॉग बताए? डायलॉग तो इसमें कम दिया गया, पर डायलॉग सही मायने में ये था कि बिहार कानून व्यवस्था में जब जब भी कोई अड़चन आवेला तो कानून के भी बस एक के नाम याद आवेला, SP रुद्र प्रताप सिंह। न बोलीला न सोचीला, जगह पे ठोकीला, और सुन बहुत भैल तोनी का भाई गिरी, अब हुई पुलिस गिरी। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। में कम दिया गया बट पिक्चर में पूरा है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।